इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को 3 हफ्ते होने को आए हैं, लेकिन शांति स्थापना की कोई पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच बुधवार को हमास के डिप्टी चीफ साहेल अल अरूरी, इस्लामी जिहाद के प्रमुख जियाद अल नकाल्लाह और हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ी बैठक हुई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला हमास द्वारा किया गया, उसके पीछे ईरान का हाथ था। इसकी वजह ये कि तीनों संगठनों को ईरान फंड और हथियार देता है। ईरान किसी भी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होकर इसके जरिए हमले करवाता है। कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए ईरान एक संदेश इसराइल को देना चाहता है कि वो अब रुकेगा नहीं। वही माना यह भी जा रहा है कि आतंक के इंटरनेशनल फ्रंट यानी कि ये तीनों संगठन अब मिलकर काम करेंगे और तीनों दिशाओं से इसराइल पर हमला करेंगे। इससे कहीं ना कहीं इसराइल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। उधर इसराइल ने भी बता दिया है कि अब तक उन्होंने गाजा पर एयर स्ट्राइक की है, अब वो हमास को गाजा में घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि गाजा पर इसराइल का जमीनी आक्रमण युद्ध को विश्वयुद्ध में बदल सकता है। इसका कारण यह है कि ईरान भी धमकी दे चुका है कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो वो भी गाजा की तरफ से बमबारी शुरू कर देगा और इस युद्ध को महायुद्ध में बदल देगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गाजा में मरने वालों की संख्या 6,500 से ऊपर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही 700 से ज्यादा लोग इसराइल की एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। वहीं फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में इसराइली एयर स्ट्राइक से मारे जाने वालों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। गाजा में अलशिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दावा किया है कि शहर के अंदर इसराइल ने नए और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है और वो इसके गवाह हैं। गाजा में हेल्थ केयर सिस्टम भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।